एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मोनावीर लाइफस्टाइल। सो गाइज, मेरे चेहरे की खुशी और टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता ही लग गया होगा कि मेरी जो है फर्स्ट पेमेंट आ गई है यूट्यूब से। जी हाँ, ये मेरी फर्स्ट पेमेंट मेरे हाथ में इस वक्त, और इसको हाथ में लेके इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं और उसके बाद जब उसका फल मिलता है ना, तो उसकी जो खुशी होती है वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। और इस पेमेंट को हासिल करने के लिए जो मेहनत लगी है ना, बहुत मेहनत लगी है। बहुत लोगों को लगेगा कि बहुत ज्यादा इजी होगा यूट्यूब का सफर, बट इतना इजी नहीं होता है। काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाकर पेमेंट हासिल होती है। एक्चुअल बात यह है कि एक वीडियो के लिए पूरा पूरा दिन लग जाता है। पहले शूट करना, उसके बाद एडिट करना, फिर अपलोडिंग करना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और इतनी सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है। और ये जो पेमेंट है हासिल करने के लिए कई सारे पड़ावों से गुजरना पड़ा है, कई सारे पड़ाव, कई सारे क्राइटेरिया पूरे करने के बाद जो है YouTube पेमेंट हासिल हुई है। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी YouTube जर्नी के बारे में, छोटी सी जो मेरी YouTube जर्नी रही है उसके बारे में मैं शेयर करना चाहूंगी। सो गाइज, ये सफर जो शुरू होता है ये 2021 जुलाई से शुरू होता है, जिस टाइम मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और उस टाइम ऐसा था कि मुझे बिल्कुल भी इतना नहीं था कि यहाँ से पेमेंट भी आएगी, मैं कमा पाऊंगी यूट्यूब से, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बस यहाँ तक सीमित था कि मेरा शौक था, मुझे कुकिंग वीडियोस बनाना, कुकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था, तो मैं कुकिंग रिलेटेड वीडियोस बनाने लगी अपने चैनल पर। बट उसका जो है रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था, लोग व्यू नहीं आते थे, बिल्कुल भी कोई देखता नहीं था। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो, क्या करना है, मैं अपनी शॉप में बिजी हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैंने अपनी शॉप ओपन की थी कॉस्मेटिक की, तब क्या था कि कोई भी ऐसा चैनल नहीं था जो छोटी छोटी चीजें बताए कॉस्मेटिक रिलेटेड। और मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई और मैं यूट्यूब पर देखती थी कि कैसे क्या करें, बट कहीं से कुछ नहीं पता चलता था, कोई हेल्प नहीं मिल पाती थी। तो मैंने सोचा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। और मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, मैं कॉस्मेटिक रिलेटेड वीडियोस बनाने लगी। और लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया, लोगों ने इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया कि आज मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई है आप लोगों की मदद से, आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट किया। तो सबसे पहले आप लोगों को ही थैंक यू सो मच। तो ऐसी रही मेरी यूट्यूब जर्नी, 1 साल 3 महीने लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मेरी फर्स्ट पेमेंट हासिल हुई है। कितनी पेमेंट मेरी आई है आप लोग जानना चाहते होंगे, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले एक छोटा सा सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ तो बनता है। एक बात बताना चाहती हूँ कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है पूरी पेमेंट बताना डायरेक्टली YouTube पे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो Redmi 11 Prime फोन है 5G,
और 64 GB वेरिएंट का फोन है। आप लोग गूगल करके अमेजोन पर आप देख सकते हैं कि किस प्राइस में वो अवेलेबल है, तो उतनी ही पेमेंट मेरी यूट्यूब से आई है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह की वीडियोस के साथ मैं आगे भी मिलती रहूंगी आपके साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।